ये माजिद भाई मुकम्मल उसको रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनना पड़ता है, ये सुनना इसलिए पड़ता है कि कोई एक मिस्टेक चली गई ना, वो ऑन एयर हो गया तो समझो फिर अपनी छोटे खतरनाक काम है। ये माजिद भाई मुकम्मल उसको रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनना पड़ता है, ये सुनना इसलिए पड़ता है कि कोई एक मिस्टेक चली गई ना, वो ऑन एयर हो गया तो समझो फिर अपनी छोटे खतरनाक काम है। तो हमें इस तरह लाइट के बिल्कुल नीचे खड़े इसलिए कि हमें थोड़ी चिट्टे चिट्टे लगे। आज काफ़ी अर्से के बाद जो ब्लॉग का सिलसिला है फिर से शुरू हो रहा है। हम थोड़े से बिजी थे और थोड़े से मसले मसाइल भी थे, वो हम जो है ना फौरी तौर पर जाना वो नहीं कर सकते थे अपने ब्लॉग वगैरह। टाइम का बहुत इशू था और बेगम को भी थोड़े से काम की मसरूफियात थी और ऊपर से खाला भी आई हुई थी, अम्मी भी आई हुई थी और इस वजह से ना घर में बहुत सारे काम थे जो हम ब्लॉग वगैरह बहुत कम बना पाए। तो फाइनली अब हमारे हमने ब्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं। तो आज का जो ब्लॉग आप देख रहे हैं वो मेरा अकेले का है और मैं आज अपने ऑफिस में हूँ। तो आज हमें ऑफिस में मैं आपको अपने काम की सिचुएशन भी दिखाऊंगा, मैं काम कैसे करता हूँ, क्या काम करता हूँ, और कुछ दोस्त हैं उनसे भी आपसे ज़रूर मुलाकात करवाऊंगा। और ये जो ब्लॉग होगा स्पेशली हमारे टेक्निकल लोग भी देख सकते हैं और जिनके हमारे बारे में कुछ ज़्यादा, मेरे बारे में खास करके ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो भी लोग अच्छे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो है ना हमारा ये अपना ब्लॉग जो है, आज का जो ये ब्लॉग है आपको कैसा लगा। तो मेरा हाल चूँकि थक गया था इस वजह से फिर मुझे दोबारा इस हाथ को ही पकड़ा क्योंकि वो कैमरा के आगे आ रहा था। तो आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। हमारे फैमिली ब्लॉग मुल्तान को सपोर्ट कीजिएगा, फाइनली ये ब्लॉग्स अब दोबारा से आपको देखना शुरू हो जाएंगे। तो फैमिली ब्लॉग मुल्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे ब्लॉग्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे एक मशले राह होती हैं, आपके कमेंट्स के ही वजह से हम जो है ना एक हमारा दिल बड़ा होता है, हम खुश होते हैं कि चलो जी बहुत अच्छे कमेंट आए तो हम बहुत अच्छा काम करें और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं। तो आइए आगे चलते हैं। असल में ये ऑफिस का माहौल है ना, तो हर कोई अपना मोबाइल वोबाइल चला लेता है, इस वजह से मल्टीपल आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी जो कैमरा पे है स्पेशल मेरा भाई है फहीम भाई, मैं इनसे भी आपको मिलवाता हूँ, मैं दिखाता हूँ फिर फहीम भाई और चकल मेरी काफ़ी मिलती है सेंस है। तो आज मैं ऑफिस में जाहिर सी बात है, पहले आपको बताया मैं ऑफिस में आया हूँ अपना काम करूँगा। ये मेरा एक एडिटिंग सिस्टम है, यहाँ पर भी एडिटिंग सिस्टम है और यहाँ पर हम न्यूज़ का काम करते हैं, यहाँ पर हम इंटरटेनमेंट का काम करते हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, यहाँ पे न्यूज़ यूनिवर्सिटी न्यूज़ का जितना भी काम होता है वो इस सिस्टम पे होता है। अभी जो है ना मेरे पास फहीम भाई लेके आए हैं महंगाई के ऊपर, महंगाई के ऊपर है जी, महंगाई के ऊपर है एज लाइफ, महंगाई के ऊपर एज लाइफ। और हमारे जो बेहद चीफ हैं जुनेद भाई ना, वो आज उनकी ड्यूटी है फ्राइडे को, क्योंकि एक की ऑफ होती है तो उसके अलावा फिर फ्राइडे को जो ड्यूटी करता है वो जुनेद भाई करता है। उसके बाद फहीम भाई की मेरी ड्यूटी है फ्राइडे को और मेरी और फहीम भाई की के साथ ड्यूटी होती है। और आप जो ये ब्लॉग देख रहे हैं अभी, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारी ऑफिस में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बारी बारी सबसे मिलवाऊंगा आपको, जितने भी यानी कि दो पार्ट में ब्लॉग हो जाए या तीन पार्ट में हो जाए, ऑफिस का पूरा माहौल मैंने आपको दिखाना है इस बार, तो ज़रूर आप इन्जॉय करेंगे। और हमारे ये ब्लॉग हमारे दोस्त आपको पसंद आए तो हमें आपने बताना भी है। और मुझे ये थोड़ा सा काम करते हुए दिखाए ना फहीम भाई, कैसे हम काम करते हैं। ये फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है, ये एप्पल की मशीन होती है, फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है, उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम फुटेज जो है ना निकालेंगे, फुटेज निकालने के बाद जो है वो फिर हम एक्सपोर्ट करके ना सेंड कर देते हैं। मैं आपको ये प्रोसेस सारा बता भी जाता हूँ और ये इन आउट लगा के ना पहले फहीम भाई फुटेज रखते हैं ना, मुझे भी फहीम भाई साथ साथ दिखाएं, इनको नज़र आ रही है। हाँ, मुझे भी दिखाएं साथ साथ में काम करो, इतना क्लोजली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने समझदार हमारे लोग हैं उनको पता चल जाता है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा साथ ही ना सिस्टम भी, है ना फहीम भाई? जी जी, आ रहा है ना? आ रहा है ना। तो ये तो गुड हो गया ना, तो ये काम है हमारा, ये रेगुलर काम है यानी कि रोज़ाना का ये काम है हमारा। जाहिर सी बात है ये पूरा ऑफिस का माहौल है ना, ये एडिटिंग सेटअप वाली साइड है, मैं आपको वेरो चीफ का रूम दिखाता हूँ, हमारे स्टेशन एडमिन नहीं है, उनकी शादी हुई है कहीं नहीं, वो अभी
श्याम साहब यहाँ पे नहीं, वो भी जब आएंगे तो उनके साथ में अलग व्लॉग बनाऊंगा, वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा ना। आप ये हमारे माजिद भाई जी बड़े काम के अपने हैं ना, माहिर हैं, ये इनकी मेहरबानी है और अपना काम खूबी अंजाम दे रहे हैं, ये देख लीजिएगा आप। जी जी बिल्कुल फहीम भाई, असल में हमारा अकेले का काम नहीं होता, ये फहीम भाई वगैरह शूट करके आते हैं उसके बाद हमारे पास, यानी कि सबसे पहले देखिए इनका काम है, हम बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले ये शूट करके आते हैं, ये शूट करते हैं तो फिर हमें जो है ना बारी मिलती है एडिटिंग करने की। ये एज लाइव शुरू हुआ है, ये हमारे जुनेद भाई महंगाई के ऊपर एज लाइव दे रहे हैं, महंगाई के ऊपर इनसे मैं रियल भी मुलाकात करवाऊंगा आपकी, अभी आप इनको ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अगर आएंगे ना फिर उनसे रियल मुलाकात भी करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा था कि हमारे ये व्लॉग ना बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको दो पार्ट में व्लॉग्स को डालूंगा। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में हमारे तकरीबन रोज़ाना तो आता हूँ, मेरे रेगुलर व्लॉग भी हो सकते हैं ऑफिस में। ये माजिद भाई मुकम्मल उसको रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि के कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये सुनना पड़ता है, ये सुनना इसलिए पड़ता है कि कोई एक मिस्टेक चली गई ना वो ऑनियर हो गया तो समझो फिर अपनी छोटे खतरनाक काम है ये सारी जिम्मेदारी फिर माजिद भाई पे आती है। जी हाँ, आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, ये गलती थी वो गलती थी, इसलिए काम यानी कि जब भी ये काम क्या दूसरा कोई भी बंदा कोई भी काम करता है ना वो ध्यान से काम करे, देखभाल के काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, उनमें उनके लिए अच्छा होता है। फहीम भाई अगर जल्दबाजी करेंगे ना उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई भी चीज़ मिस हो के जा सकती है माजिद भाई जी, फिर उसका रिएक्शन बहुत बुरा आ सकता है, एक गलती की वजह से सारे भुगते हैं, ऐसे ही है माजिद, फिर ऐसे मसले की वजह से गौर से सुनना पड़ता है, शॉर्ट सिलेक्शन रखनी पड़ती है, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छा अच्छा हो, हिलता ना हो, उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही जो जिसमें ऑब्जेक्शन आ सके, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं छोटी छोटी ना, बहुत ज़्यादा यानी कि न्यूज़ का काम यानी कि काफ़ी जिम्मेदारी का काम है, आम कामों से बहुत डिफरेंट है, मैं प्रोडक्शन का भी काम करता हूँ उसमें भी यानी कि इतने वो नहीं होता, मगर इसमें हमें करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, देखना पड़ता है गलती मिस्टेक ऐसी कोई चीज़ हमसे हो ना जाए, फिर बाद में इसके लिए हमें पेशी भुगतनी पड़े, बाद में इतनी बड़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जॉब भी चली जाती है, ऐसे है ना फहीम भाई? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये अभी जो फुटेज में काट रहा हूँ तो ये कंप्लीट होता है, मैं एक्सपोर्ट भी दिखाता हूँ, ये एक्सपोर्ट करके फाइनली हमने ये सेंड करना होता है, वो भी मैं दिख साथ साथ आपको ना पूरा, क्योंकि एक कम्प्लीटली ब्लॉग है मेरे एक वर्क का, आप जाहिर सी बात है आपने हमें वैसे ही देखा होगा कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो किसी को पता होता है किसी को नहीं होता, फैमिली है ना, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमने वर्किंग भी अपनी साथ साथ जारी रखते हैं और काम दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, वो बिल्कुल दिखा रहे होते हैं, क्योंकि जॉब्स तो जाहिर सी बात है बंदा जॉब पे तो पूरा टाइम देना पड़ता है ना फहीम भाई, बाकी तो चीज़ों को ये तो हमारे चलो यूट्यूब पे भी फुल टाइम काम है, मगर जॉब के ऊपर भी आपको ना एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ कि एक चीज़ के ऊपर यानी कि आप करते रहें काम शाम और ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना तो ये अच्छी बात होगी, साथ में आपको दूसरे काम भी करने चाहिए भाई। सही बिल्कुल है? सही कह रहे हैं माजी भाई, ये अब ये एज लाइव हमारा कंप्लीट हो गया, इस टाइम मैं इसको रेंडर लगा रहा हूँ, ऑडियो सेट कर रहा हूँ, अब इसके बाद ये जुनेद भाई का एज लाइव ना अब जैसे हम सेंड करेंगे उसके बाद ये ऑन ईयर हो जाएगा, ऐसे ही ये हम डेट्स वगैरह उसी तरीके से सेट करते हैं जैसे आज का काम है इस टाइम का है किस चीज़ के ऊपर है वो रिलेवेंट सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। ये इनकी सेटिंग्स होती है, साइजिंग वगैरह हमें मेंशन करनी पड़ती है,
उसके बाद हमने फुटेज एक्सपोर्ट करनी है, फुटेज हम अलग भेजते हैं और एज लाइव अलग भेजते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पे फिर डबल विंडो स्क्रीन पे चलती है ना, फिर वो एक तरफ फुटेज चला देते हैं, एक तरफ एज लाइव चला देते हैं। ये फ्रंट वॉरियर्स हैं, हम बैक एंड वॉरियर्स कहलाते हैं। यानी कि फ्रंट पे ये रिपोर्टर्स वगैरह ये आते हैं और बैक एंड पे जो है ना वो जैसे फहीम भाई है, मैं हूँ, टेक्निकल जैसे स्टाफ होते हैं न्यूज़ वगैरह, ये हम सारे होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सारी एक टीम का हिस्सा है जी, बिल्कुल टीम वर्क होता है ये सारा, ये किसी एक बंदे पे नहीं डिपेंड किया जाता। ऐसा फहीम भाई बहुत कम व्लॉग होंगे मेरे ख्याल से मीडिया से रिलेवेंट है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह हम आज बना रहे हैं व्लॉग ऐसे ही है माजी भाई बिल्कुल। ये सिर्फ स्पेशली फैमिली व्लॉग मुल्तान वालों का ही काम है, देख लें आप अब्बा में। फिर भी लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें तो फिर आपकी मर्जी है ना भाई। सही बात है, ये जो है हमारा एज लाइव कंप्लीट हो गया है, अब इसको मैंने करना है सेंड। ये सेंडिंग पे अब मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद में आप जो जो हमारे ऑफिस में दोस्त हैं उनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ, क्योंकि अभी तो आपने काम देख लिया ना, फिर अब मुलाकात भी लाजमी है। ये जी जैसे रेंट डन हो जाएगा उधर से मैं मेल को एंटर कर दूँगा और ये कराची पहुँच जाएंगे। तो ये यानी कि इस लाइव चला गया, थोड़ी देर बाद फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर एक इस लाइव आएगा, फिर दो रिपोर्टिंग मजीद बनेगी। यानी कि दिन में कम से कम इतना ज़्यादा काम होता है कि आप यानी कि मुसलसल में यहीं बैठना पड़ता है और साथ साथ काम करना पड़ता है, इतना मजाक नहीं है ना। लोग कहते हैं ये तो सिर्फ बैठे रहते हैं, इतना बैठे रहने से काम होता है। तो ये जी ये हो गया डन। तो अब मैं स्पेशली जो है ना मैं ये हमारे जो है ना आपने काम देख के ये हमारे दोस्त हैं दानिश भाई। दानिश भाई क्या अल्लाह का शुक्र है ठीक हो, जैसे ठीक है। ये दानिश भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, ये हमारे साथ ऑफिस में होते हैं और हमारे गाड़ी के जितने भी यानी कि आना जाना इनके बगैर नहीं होता, ऐसे ऐसे ना यानी गाड़ियों के माफिया ये माफिया वर्ड हमारे ऑफिस में बहुत फेमस है, वो भी आपको मैं स्टोरी बताऊंगा जब वो बंदा आएगा। ऐसे ना भाई माफिया का इंचार्ज हमारे पास ना एक माफिया का इंचार्ज भी है, वो भी जैसे आता है ना। अभी मैं आपको ना एक जुनेद भाई के कमरे में लेके चलता हूँ, जिनका आपने लाइव बनाया है ना, तो मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। जुनेद भाई फ़ोन पे बात करें, थोड़ी सी बिजी है, मसरूफ़ हो गया लगता है कि हेड ऑफिस से फ़ोन है। अभी ऑडियंस ना वैसे ही आपको देख के आई है, अच्छा मैं काम कर रहा था एज लाइव आपका ही बता रहा। अच्छा जुनेद भाई माशाल्लाह हमारे जुनेद भाई है यहाँ के ब्यूरो चीफ है न्यूज़ वन के और हमारे वैसे न्यूज़ वन के न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है। तो जुनेद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बंदे हैं और इनसे ना यानी कि यहाँ से पहले भी हम काफ़ी 4-5 सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं। बिल्कुल और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और बड़े सपोर्टिव, बड़े कोऑपरेटिव और इनकी मोहब्बत है ये आप लोगों की वजह से है सब कुछ। बिल्कुल ये जो मोहब्बत है, प्यार है और सबसे बढ़ के एक ऑफिस में माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि ताकि तमाम एक फैमिली की तरह रहे और हमारा माशाल्लाह ये जो व्लॉग है ये भी वैसे भी फैमिली व्लॉग है और हमारा ऑफिस में भी तमाम जो माहौल है बिल्कुल फैमिली की तरह है। यहाँ पे तमाम सारे भाई हैं, कोई छोटा बड़ा कोई ये होता कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ये मोहब्बत इनकी, ये देखें इतने बड़ी डेजिनेशन पे बैठ के भी ऐसे अल्फाज बहुत कम सुनने को मिलते हैं, ये इनकी मोहब्बत है, इनका बड़ा पन है। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। बिल्कुल तो आपने ना ये जो हमारे अब जो कैमरा मैन है ना मैं इसको दिखाना चाहता हूँ ये ना भाई भाई है मेरे, इतनी देर से ना मेहनत कर रहे थे कि मैंने भाई ने देखा हाँ जुनेद भाई देखे आप सही नजर आ रहे हैं तो मैं फाइनली मैंने कहा इनके बगैर गुजारा है भाई भाई आजे तो आजे आजे इधर आजे। ये जो है ना ये आज का जो व्लॉग है ना मैं क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा
तो हम इस टाइम लाइट के बिल्कुल नीचे खड़े इसलिए कि हमें थोड़े चिट्टे चिट्टे लगे। तो हमारा ये ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फहीम भाई को, मुझे और फैमिली ब्लॉग मुल्तान को आज के इस ब्लॉग से दें इजाज़त, और हमारे फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनली इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।